फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? मैं श्वेता, स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं सबका वेलकम की हूँ अपनी किचन से। और अभी मैं बना रही हूँ किचन में चाय। मॉर्निंग में क्या बनाते हैं? सबसे पहले सबके किचन में सबसे पहले चाय बनती है। ब्रश वगैरह मैं कर ली हूँ और चाय बनती है। तो आ जाइए सब लोग। और आज हमारे इधर ठंड तो नहीं है लेकिन मौसम कुछ अजीब है, तो आपको पहले दिखाती हूँ। मॉर्निंग बोली भेड़े भेड़े गुड मॉर्निंग। आज बापरे कुहासा कितना लगा है जानू। तो बाहर का कुछ सुबह सुबह ऐसा नज़ारा है, दिख नहीं रहा है आमने सामने कहीं, सही में नहीं दिख रहा है जी। हाँ, दिखिएगा तो पता चले इसका मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी होगा कैसे गया होगा। ऐसा नज़ारा और अंदर में कुछ ऐसा नज़ारा, पंखा चल फैन चला चला के सब सो रहे हैं। बाहर में लग रहा है जहाँ ठंड है बट अंदर में तो चल रहा है फैन। देखो हमारे तरफ की नज़ारा। देखो अभी चाय पीने के बाद इधर सब्जी के मसाला भी फ्राई हो रही है और साथ में मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ और बीच में कचरा वाला आया उसको कचरा भी दे के आना, क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है शेड्यूल, दिन सारा अलग रहता है। तो यहाँ पर मैं खाना भी बना रही थी और जल्दी जल्दी झाड़ू भी लगा रही थी क्योंकि पतिदेव ड्यूटी जाने वाले थे और ऐसे ही सुबह की ड्यूटी चलती है। बंद कर रही है। बाय पतिदेव। सानू बाय। सानू टीवी देखने में लगी पड़ी है। आज देखो सुबह कैसा मौसम है बाहर में। सानू ने ना देखी है मम्मी। हाँ, बहुत सारा आग जला दिया है क्योंकि गर्मी भर भर के लग रहा है। हाँ, गर्मी भी लग रहा है और फॉग भी लगा है। देखो उमस कर रखा है मौसम अजीब टाइप से। बस कुछ अच्छा व्यूज है ना सोना। पकड़ चलो हम जाते हैं, रोटी बना रहे, फिर हमको जाना है एक और जगह। नहीं बेटा वो फॉग जो है ना वो चूड़। सुबह पति देव ड्यूटी चले गए हैं, बाहर का नज़ारा तो वही है, फॉग लगा है पर आज धूप अभी तक आया नहीं है। तो देखो शाम भी सो के एक बार उठ गई, फिर से आ गई है सोने। हटो मनु, हटिया तो जल्दी जल्दी फटाफट सबको मुंह पे डाल दीजिए। स्टॉल ओढ़ लीजिए। नहीं स्टॉल नहीं ओढ़ेंगे, वो छोटा है। वो छोटा है। नहीं ऐसे ऐसे उठा देते। वाओ कितना अच्छा ड्रामा चल रहा है, पॉपकॉर्न बस चाहिए था। इस मम्मी, इस मम्मी का नाम क्या रखोगी? इसका, इस मम्मी का जो तुम कर रही हो तू क्या नाम रखोगी? इस प्यार को क्या नाम दूँ? दिल्ली में मैं क्या नाम रखोगी? सन को तन दे दबा देते। पॉपकॉर्न कहीं पे है क्या? बोल ना जल्दी से। चलो गाइस, हमारा बिछावन वगैरह ठीक कर दिए और जान भी मान लिया, अभी से फिर से करेगी खराब सबको। और बाहर तो पूरा फॉग लगा ही है अभी। और हमें आज जाएंगे थोड़ा सा भैंस की दूध लाने, क्योंकि हमारे तरफ मकर संक्रांति मतलब कुछ खास तरीके से मनाया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सुबह सुबह पूजा वगैरह करके दही चूड़ा और तिल खाने का रस्म, मतलब ये है सबसे पहले तिल का बना हुआ कुछ खाते हैं, उसके बाद दही चूड़ा खाते, चूड़ा दही या दही चूड़ा जो भी हो। तो मुझे ना यहाँ मार्केट का पैकेट वाला दूध का बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो पहले एक मैं खटाल देख रखी थी, वहाँ से कभी कभी दूध लाते थे, तो उस खटाल में जाके देखते हैं जब भैंस का दूध दे देगा। तो वहाँ से आज मैं भैंस का दूध लाने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम चलेंगे उधर अभी।
तो सुबह का बज चुका है 9, देख सकते हैं। और हम जाने जा रहे हैं, थोड़ा सा खटाल से घूम के आ रहे हैं। दोनों बहनें यहाँ मस्ती कर रही है, और बाहर तो आज फॉग अभी तक गया नहीं है, लगा ही है। तो चलते हैं स्कूटी लेके, दोनों बहन खा के गेट बंद कर लीजिए हमारे, ठीक है। थोड़ा दूध लेके आ रहे हैं। देखो गाइस, यही खटाल है जहाँ की मैं दूध लेने आई हूँ भैंस का। देख सकते हैं भैंस है, यहाँ पे भी दुहा भी रहा है भैंस। और कुहासा तो इतना लगा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, जाती हूँ जल्दी से ले लेती हूँ दूध। सामने बाईपास है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो इतना कुहासा जोर है आज। आज हम दूध उध लेके आए, झाड़ू पोछा करके नहा धुला भी लिए। फोन आ गया था, फोन में बात करते करते कुछ याद नहीं रहा मुझे वीडियो करने का। तो अभी अब चलते हैं मानवी को पहले छोड़ने। और इधर कोई मंत्री आया हुआ है, पूरा हल्ला पार्टी चल रहा है, पता नहीं जाने दे। अरे दीपा वीडियो कर रही है, हमको टेंशन है, कहीं जाने नहीं दिया, रास्ता बंद होगा तो क्या करेंगे। हाँ सुबह में ही जाम देखे, बड़ा बड़ा बस, अरे पूरा जाम होगा, तुम जाएंगे कैसे। स्कूल को छुट्टी दे देना चाहिए था, ऐसा सिचुएशन है। तो चल के देखते हैं, ग्राउंड पूरा ये है। निगा अच्छी भी निगा, हाँ से भी दे ले, सही से सही साइज रे देबे। बड़ा कितने बड़ा देखे, 40 कह दे ले। हाँ चलो 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 चलो, पहले मोहल्ले वाले परिवार वाला भाई मिले हैं, वो घूम रहे। अरे नहीं नहीं खाएगी वो, सानवी के लिए देखो चिप्स कुरकुरे लाने गए हैं। देखो सानवी अंकल तुम्हारे लिए क्या लेने गए हैं। मंत्री जी आ रहे हैं जिसकी वजह से पूरा भीड़ भी चल रही है। जिधर देखो उधर जाम है, एक और हम जाम में फंस के मानवी को छोड़ आए हैं। अब रूम में पहुंच जाए जल्दी से, फंस गए जाम में, रास्ता ब्लॉक हो गया, मंत्री जी आ गए हैं। और क्या होगा, रास्ता नहीं खड़ा रहो, जंप करके आए मंत्री जी, मंत्री जी फंसे आज, बोल रहे थे नहीं आओ। तो इसी ग्राउंड में आए हैं मंत्री जी, जहाँ पर मेला लगता था, इससे आगे सब रास्ता वगैरह ब्लॉक है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं रूम में, समझी सानवी देख रही हो ना, इसी में आए हैं मंत्री जी। चलिए छत पर से दिखा देंगे, चलिए। गाइस फाइनली हम मानवी को स्कूल छोड़ के जाम में फंस फंस के छोड़ के आ गई हूँ। और आज मुझे खाने का मन कर रहा था, मक्के की रोटी ऐसे, ये तो मज़ा आता है साग के साथ, पर साग नहीं है तो फिर क्या करें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए मक्के की रोटी, खाऊंगी, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बनाई हूँ हाथ पे ऐसे ऐसे ठोक के, किसी दिन इसका बताऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। तो अभी मुझे बहुत खाने का, सबका वीडियो में देख रही थी ना अभी लगातार मक्के की रोटी का, तो मन मेरा भी हो रहा था। तो इससे पहले खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आज दूध लाए हैं, तो हमारा दही देखो कितना महंगा पड़ेगा, 70 रुपये लीटर भैंस का दूध लेके आई हूँ आज। तो बस वो लीटर लीटर रोज देगी, तो बोली चलो 3-4 दिन लगातार लाऊंगी पहले। और उसको दही जमाने के लिए 22 रुपये का दही का पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि दही मैं पहले से ऐसे रखती नहीं हूँ। तो आज मतलब दही जमा के यानी बैठा के देखती हूँ कैसा मतलब, तो अच्छा होता है क्या होता है, तो आज उसी से ट्राई करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ सब प्रोसेस, और मकर संक्रांति की तैयारी करना पड़ेगा जोरों से, क्योंकि मकर संक्रांति बस आने ही वाली है 2 दिन में। तो चलिए पहले खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखो फ्रेंड, भैंसी के दूध की दही खाने की इतनी इश्क थी, जो 70 रुपये लीटर दूध लाया और उसे दही जमाने के लिए 22 रुपये का दही का पैकेट लेके आया, क्योंकि पैकेट वाली दूध दही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो ये है हमारी आदत, और ये फरमाई सिर्फ पति ही पूरा कर सकते हैं, माँ बाप के बाद एक पति ही ऐसा होता है जो कि हर एक फरमाइश पूरी कर देते हैं। एक माँ बाप होती है जो अपनी बच्चा के लिए कुछ भी कर जाते, और एक दूसरा हस्बैंड। तो चलिए आज दही जमाते हम। तो इसी ग्राउंड में आए थे मंत्री जी, सानू देखने आई है, लेकिन मंत्री जी तब तक आके चले गए हैं, तब से साउंड इतना हो रहा है। सानवी को लग रहा है जब मंत्री जी भगवान होते, कहते मम्मा कौन भगवान आए थे, भगवान नहीं बेटा मंत्री, मंत्री हाँ कहाँ मंत्री चले गए, आए उसी ग्राउंड में आए थे, आपको तो जाके देखी हो फिर पूछ रही हो। चलो हम कपड़ा पलट उलट कर लेते हैं थोड़ा। गाइस मकर संक्रांति की हमारी तरफ हो रखी है शुरुआत, आज मैं राशि
तिल, जिसको तिल बोलते हैं, उजला वाला तिल का मैं गुड़ में डाल के लड्डू बनाऊंगी इसकी। तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो ये हमारा गुड़ की पाक हो गई बन के रेडी। एक दिन प्रॉपर आपको रेसिपी दिखाऊंगी, तो अभी फिलहाल यही बना रही हूँ। सांदी प्लीज। तो चलो हमारा तिल जो भूजा हुआ है उसको मैं इसमें डाल के श्री गणेशाय कर दी हूँ। बारिश आई छम छम, सानू हमर निकले दम। हमारा गुड़ हो गया। तो हमारी वीडियो हो रही बड़ी, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं बना रही हूँ तिल की लड्डू। फिर लड्डू के साथ आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।